हाय हाय बाजी बा पंजाबी गाने वाले ड्रेस पाए है। I think you like it. Yeah, yeah. लगता है गाना करेगी। करा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा पैंदा है भुलेखा मैनू खुसरे बशीर दा। देखो जवाब दे जे हिट होने जवाब देईदा चुप करके बैरी ने मैं कसूआ रखना मतलब चुप के कहना कि तैनू क्या। आज माशाल्लाह हिना जी आपने सूट बहुत खूबसूरत पहना है। थैंक यू। लेकिन बालों का स्टाइल मलंगों वाला है। Was this a joke? मलंग भी हो जेड़ा 4 घंटे धमाल पा के भी कहंदा होर वजाओ यार होर वजाओ। उन्होंने मलंग ना कहे क्यों जी? अगे ते आके ना अस्सलाम वालेकुम मैं हूं हिना नियाजी। तारों से करे बातें के नए एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूं। कैसे हैं आप? ते जे मलंगो इने प्याला फड़ के कहना पी प्याला सफरदा ते कोई नहीं साफी नहीं क्या मेरा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा। दे आर कॉल्ड बीची वेव्स जो मेरे बालों में इस टाइम हो रहे हैं। साफी ना रखे उन्होंने बीची चीची चाची ताई अगर उन्हें समझ ना आवे कि आपका बीची वेव्स है ना। हां जी उसका मुंह देखें छिपी वेव्स। इनसे आप हेयर स्टाइल के बारे में पूछ रही हैं। इनके सिरों में खुद 2-2 बाल रह गए हैं बेचारों के। इन्हें पूछ लो ये अपना हमाम जी बुला ले अपने मेहमानों को इजाजत है ध्यान से बुला लो। हमारी आज की पहली मेहमान बहुत टॉप चीज है। कोई ऐसा काम ही नहीं है जो उन्होंने नहीं किया। सब चीजें करती हैं मतलब टिकटॉकर हैं ब्लॉगर हैं इन्फ्लुएंसर हैं वेब शो होस्ट करती हैं मॉडल हैं। भाई क्या कमाल है सब कुछ ही करती हैं। तशरीफ लाती है रिदा सईद। I'm good. बैठे please. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बताइयो। हाँ जी। आज मेरा कोई बात ना करे। क्यों? रिदा आई है तो नहीं पता मेरे तो की सीन चल रहा है। अच्छा जी। Yes. क्या सीन चल रहा है सर मुझे भी तो पता चले। वाडा मेरा बहुत गहरा रिश्ता रिदा जी। कौन सा रिश्ता है? जेड़े तुसी वेब सीरीज करते हो ना सारे मैं वेख के समझा जे। सीरीज कौन से कौन कोई एक आपको याद तो होगा। इतना दे रिश्तेदार थे उन्होंने 150 150 बार मेनू कर लो। एक वेब शो का नाम बता दो। वेब शो होता कि ये ऐ जो तुम्हारा रिश्तेदार इधर किनकी बातों में आ रही हो। इनके पास अभी तक टच स्क्रीन वाला मोबाइल ही नहीं है। ओए ये तो कोई फोन है 3310 ओदे ते भी एट रखदा और डिगदी है तेनू पता लगदा कि कॉल आई और घर वालों को कह रहा होता है अगर 3310 पे कॉल आए ना तो मेनू 3610 वो एट सिर्फ उते इस करके रख दे कि जदों वाइब्रेट हुंदा ते ऐ लगदा जिवें बुड्ढा बंदा को पासा लैण दे मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। ओके आज के बाद मैं मर जाऊंगा सच बोलूंगा। सच बोलोगे? हां आज 10वीं तेरे वाले साहब का नाम की है? मेरे वाले साहब का नाम है अब्बू। अब फिर गलती की थी डैडी है। प्लीज हैव अ सीट रिदा। थैंक यू। और हमारे आज के अगले मेहमान स्पेशल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर हैं और मेंबर पंजाब असेंबली हैं। तशरीफ लाते हैं फैसल हयात जब्बाना साहब। कैसे हैं आप? जनाब आई पीटीआई माशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं कह रहे आप 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਸੀਂ 2022 ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਤੰਗਾ ਤੁਸੀਂ 25 ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 23 ਚ ਫਿਰ ਆਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ आई फिर एक दफा पीटीआई आई। जब्बाना साहब ऐसे आज आपको किसने बता दिया कि रिदा ने भी ब्लैक पहना हुआ है? क्या आप लोगों ने मैचिंग की हुई है? ये हुस्न इत्तेफाक है पता वैसे मुझे यहाँ आकर चले ये पीटीआई ने ना को हर रंग के कपड़े ने सियासत का पता होवे ना होवे कम्बिनेशन का पता जरूर होता है। सही बात है पॉकेट स्क्वायर से पता चल रहा है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲੋ ਹੁਲੀਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਜ਼ਾ ਦਰਗਾ ਜੀ। पीटीआई ने ना पंजाब का कुछ नहीं बनाया सिर्फ अपने अच्छे कपड़े बनाए। तो फिर शुक्र अदा करो ना सिर्फ कपड़े ही बनाए ने यूके दे फ्लैट तो नहीं बनाए। वाह वाह वाह। प्लीज तशरीफ रखें जब्बाना साहब। क्या हाल चाल है आप दोनों के? कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह A1। आप कैसे? अल्लाह ताला का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं। इस मुल्क से ही ठीक है। वो कैसे? जो तो मर्जी 12 रुपए बता देंगे जो तो मर्जी 10 रुपए घटा दें। तो खुशखुरम होना चाहिए 10 रुपए घटाया है पेट्रोल और डीजल घटाया बल्कि बिजली का बिल भी घटा दिता है। सर जी वैसे तरीकाकार अच्छा है 12 बता के 10 घटा देंगे जो बढ़ाया सी तो उदों भी दूसरा इंटरनेशनली रेट वधे सी उन इंटरनेशनली रेट वधण दे बावजूद जिहड़ा है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जिहड़ा फैसला किया मैं समझना कि वो बहुत खुशो खुरम है और ना सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमत घटाई बल्कि बिजली दी 5 रुपए पर यूनिट जी कीमत घटानी। रिदा, मुझे ये बताओ कि इतने सारे काम आप कैसे कर लेती हो? वेब होस्टिंग भी करती हो, टिकटॉकर भी हो, ब्लॉगर भी हो, टाइम मैनेजमेंट ये किस तरह से पॉसिबल है इतने काम एक साथ करना? आप एक चीज भूल गए, मेरा अभी अभी एमफिल कंप्लीट हुआ है। मैं एमफिल स्कॉलर भी हूं। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो जी, मुबारक हो। पढ़ाई में भी भाई लड़की के फुल मार्क्स हैं। देखिए एमफिल की पूछो, वाह वाह कहंडे है। तेनू एमफिल दा पता है? एमफिल दा मेनू पता है की फुल पढ़ाई। एमफिल दा मतलब है मलक फरूक। नहीं, एमफिल दा मतलब है मैट्रिक जो बार-बार फेल। जी रिदा, हिना, ऑब्वियसली मुश्किल होता है, लेकिन मैं थोड़ा मीडिया थिंग्स को इस तरह से मैनेज करती हूँ कि जब मेरी स्टडीज स्टार्ट हो जाती थी तो मैं थोड़ा होल्ड कर लेती थी, फिर ऑन एंड ऑफ। और टिकटॉक पे भी मैं इतना रेगुलर बिल्कुल भी नहीं हूँ, कभी कभी बना लेती हूँ तो वीडियो अच्छी चली जाती हैं। तो ये ब्लॉगिंग करना मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल चीज़ है और इसमें आपको ऑनेस्ट होना पड़ता है। जब कोई ब्रांड्स की चीज़ें आती हैं और वो कहते हैं इसका रिव्यू दे दो, तो कितना सच्चा रिव्यू देती हो? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मुझसे ब्रांड बात करते हैं ना, तो जब चार्जेस पे बात आ जाती है तो फिर उसके बाद कहते हैं कि फिर हम आपको एक स्क्रिप्ट देंगे, आपने उसके मुताबिक बात करनी है। तो फिर मैं उनको अच्छा अच्छा करके जब चीज़ें आ जाती हैं फिर मैं यूज़ करती हूँ खुद। फिर उसके बाद अगर वो मुझे अच्छी लगती है तो मैं प्रॉपर रिव्यूज ऑनेस्ट देती हूँ। ये नहीं है कि पैसे मिल रहे हैं तो बस जो भी कहते हैं। आप कितनी सच्ची हैं? साड़ी भरजाई फीने की बुढ़ी 7 बारी कह चुकी है कि प्लीज़ आप घर से निकल जाएँ, लेकिन ये मानता ही नहीं, कहना जोक कर रही है। हो सकता है उनकी केमिस्ट्री ऐसी हो वो वाकई जोक कर रही हो। शास्त्र में एक बंदे ने क्या जी नीले थोथे की पब्लिसिटी करते हो। अच्छा। कहता पहला खा के चेक करांगा। खा बैठा तो 7 दिन बेहोश ही रहा। इस गलो आसिम इकबाल ने क्या बात है, इन्होंने किसी ने कहा जी पेट्रोल की मशहूरी करनी। अच्छा। ये भी इन्हों कहता जी पहले मैं चेक करांगा पेट्रोल असली है कि नहीं, फिर मशहूरी करांगा। अच्छा। इन्हें इंज करके पेट्रोल तीली बाल के सुटी, बस फिर ना मशहूरी वाले लबे ना नहीं लबे, लेकिन घट तो गया ना 10 रुपया। ये सोच तो की थी। अच्छा, इन्हों का नक छोटा हुआ, इन्होंने पेट्रोल का पता नहीं लगा, जो घुट भरया इन्होंने फिर क्या तो पेट्रोल ही मैं ला ला समझ नहीं आती इन्होंने। जब्बाना साहब, पिछली दफ़ा तो आपने इलेक्शन आज़ाद लड़ा था, इस दफ़ा किस जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, या फिर एक बार फिर से आज़ाद है तो क्या गम है वाली कहानी दोहराना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि मैंने आज तक किसी भी पार्टी में टिकट अप्लाई नहीं किया और इंडिपेंडेंट ही अल्लाह ताला के फजल व करम से और लोगों के मेहरबानी से असम्बली में आने का मौका मिला है। यकीनन मैं जो है PTI से ही जो है कॉन्टेस्ट करना चाहेंगे। चलें, ऑल द वेरी बेस्ट। रिदा, मुझे ये बताओ कि क्या कोई वायरल होने का इस दौर में फॉर्मूला है? क्या समझती हो कि क्या ऐसा कर सकते हैं कि आप वायरल हो सकते हैं और जो नए आने वाली लड़कियां हैं, मॉडल्स हैं, होस्ट्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, कैसे वायरल हो सकती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2 चीज़ें होती है, गुड फेम एंड बैड फेम। तो आप वायरल तो बैड फेम से विद इन अ नाइट हो जाते हो, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। वो बस, तो आप स्लो एंड स्टडी, अपनी स्टडीज को प्रायोरिटाइज करो। ये चीज़ें आप अपना बैकअप प्लान रखो कि बस ठीक है ऑन एंड ऑफ आपने कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ पे होते हैं कि जो बैड फेम और वो लॉन्ग लास्टिंग समझते हैं तो वो होता नहीं है। वायरल होना कोई औखा काम नहीं, बड़ा सौखा काम है। कोई भी पुठी हरकत करो वायरल हो जाओ। राशद है, नासा वड्डियां ने इहदे जी बागा पा के खोता पा के टोरो वायरल हो जाओगे। अच्छा, इहदा भी बड़ा दिल कीता मैं वायरल होवां। एक बंदे ने कहा फिने छत तो छाल मार दे, इहने मारती, वायरल तो नहीं होया फिर वायरल हो गया। जब्बाना साहब।